हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस एनालिसिस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं SJVN शेयर के ऊपर। इन डिटेल में हम लोग बात करेंगे, तो आप लोग जो है वीडियो को ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। SJVN के शेयर में अगर हम लोग बात करेंगे तो स्टॉक में आज हम लोगों को स्टॉक ऑलमोस्ट फ्लैट ओपन हुआ था, स्लाइटली गैप डाउन ओपन हुआ था। एक बार के लिए स्टॉक जरूर प्रीवियस क्लोजिंग प्राइस के ऊपर गया, बट उसके बाद इस स्टॉक में हम लोगों को सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। बट लास्ट के सेशन में स्टॉक जो है अपने डे हाई पे क्लोज किया है। इस पूरे वीक की बात करेंगे तो इस पूरे वीक में जो है स्टॉक तकरीबन 16.5% की तेजी के साथ क्लोज हुआ है और स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है। लास्ट वन मंथ में अगर हम लोग बात करेंगे तो लास्ट वन मंथ में जो है स्टॉक ने 29% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, और लास्ट वन ईयर की अगर हम लोग बात करेंगे तो लास्ट वन ईयर में स्टॉक जो है तकरीबन 76% का पॉजिटिव रिटर्न दे चुका है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इस स्टॉक के ऊपर। जो है अब ब्रोकरेज ने भी अपना कवरेज स्टार्ट कर दिया है, और यहाँ पे एक्सिस सिक्योरिटीज़ का जो है वो उन्होंने टारगेट दिया है 58 रुपीज़ का। तो चलिए अब बात कर लेते हैं हम लोग चार्ट्स के ऊपर। चार्ट के ऊपर बात करेंगे तो स्टॉक क्लियरली अपने ऑल टाइम हाई पर ट्रेड कर रहा है। बहुत ही अच्छा चार्ट यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिल रहा है। क्लियरली जो है स्टॉक एक अच्छे कंसोलिडेशन रेंज से हम लोगों को यहाँ पर निकलता हुआ दिख रहा है। तो चलिए अब यहाँ पे अगर बात करेंगे तो स्टॉक में एक अच्छा ब्रेकआउट आ चुका है। वीकली बेसिस पे बहुत ही स्ट्रांगली कैंडल का क्लोज हम लोगों को देखने को मिल रहा है। तो करंट लेवल पे जो है हम लोग यहाँ पे इस स्टॉक में एंट्री ले सकते हैं। अभी के लिए अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो अभी के लिए हम लोगों का यहाँ पे SL जो है वो 35 रुपीज़ के नीचे होना चाहिए। 35 रुपीज़ के नीचे अगर स्टॉक निकल जाता है तो फिर इस स्टॉक में जो है हम लोगों को 30 रुपीज़ तक का एक अच्छा गिरावट देखने को मिल सकता है। ऊपर की साइड अगर बात करेंगे तो यहाँ पे अगर ऑलरेडी आप होल्ड कर रहे हैं तो कंटिन्यूसली होल्ड करके रख सकते हैं, और अगर आप फ्रेश एंट्री लेना चाहते हैं तो फ्रेश एंट्री भी करंट लेवल पे ले सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को सही पॉइंट जो है बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, एनालिसिस अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।